नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, 15 दिसंबर को कुछ कैंडिडेट्स का री मेडिकल कंडक्ट कराया गया था। जो कैंडिडेट डीएमई में अनफिट पाए गए थे, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रिजेक्शन स्लिप नहीं मिली है। तो उसी समय मैंने आप लोगों को सलाह दी थी कि जिन कैंडिडेट्स को रिजेक्शन स्लिप नहीं आई है, वो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। बाकी और उनके पास कोई अदर चॉइस नहीं है। कोर्ट उनको अगर ऑर्डर देता है री मेडिकल के लिए, तो वो री मेडिकल दे पाएंगे। तो ऐसे ही 8 कैंडिडेट हैं जिनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 11 तारीख को, और 13 तारीख का ये लेटर है जिसमें बताया गया है कि री मेडिकल दोबारा से कंडक्ट होगा इन कैंडिडेट्स का। अब इनका री मेडिकल कंडक्ट करा लिया गया है, क्योंकि आज 16 तारीख को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो री मेडिकल इनका हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा इस री मेडिकल का? तो आप लोग की भर्ती प्रक्रिया पर इस री मेडिकल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ सीटें पहले से ही रिजर्व कर दी जाती हैं ऐसे कोर्ट केसों को देखते हुए, क्योंकि कोर्ट केस और चलते डेट रहते आती हैं, रहती है। तो उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है री मेडिकल पर। तो आप लोग की जो मेरिट है, वो जो भी डेट है उस डेट को निर्धारित है, यानी आप लोग का दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट तक मेरिट आ जाएगी, और उसका इस री मेडिकल से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन कैंडिडेट्स का सेपरेट रूप से जब भी रिजल्ट आप लोग का डिक्लेयर किया जाएगा, तो इन कैंडिडेट्स का नीचे रोल नंबर होगा। जैसे आप लोग और रिजल्ट्स में देख रहे होंगे कि हाईकोर्ट के कारण इन कैंडिडेट्स को रिजल्ट में नहीं रखा गया है। अगर इनका सिलेक्शन होगा, तो इनको बाद में रिजर्व सीटों के साथ इनको जॉब दे दी जाएगी। कि बाद में भी कॉल लेटर आते हैं कैंडिडेट्स के, वो वेबसाइट पर नहीं आते हैं, लेकिन बाय पोस्ट कैंडिडेट्स के घर ज्वाइनिंग लेटर पहुँच जाता है। तो ये सब अपडेट होती है। और आप लोग की जो ज्वाइनिंग है, वो निर्धारित डेट पर ही होगी। दिसंबर लास्ट तक आप लोग को मेरिट देखने को मिल जाएगी। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है, तो जनवरी फर्स्ट वीक तक आप लोग की मेरिट आ जाएगी। तो कैंडिडेट्स, जैसे ही आप लोग की मेरिट के बारे में अपडेट आती है, आप लोग को रेगुलर मिलती तो रहेगी। मिलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।